चुटकियों में नहीं बनती हैसियत किसी की, तो 20 को दरख्त होने में अरसा लगता है। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल, योर बायोलॉजी मेंटर। यू आर वॉचिंग कीरो क्लासेस। आज कर रहे हैं प्लस टू एग्रीकल्चर बायोलॉजी। इंसेक्ट अपन ने स्टार्ट किए थे, लास्ट इंसेक्ट आज कंप्लीट करने वाले हैं। इसके साथ ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट जो आज का इंसेक्ट है वो है पॉमग्रेनेट बटरफ्लाई, अनार की तितली, जो आज अपने करने वाले हैं। ये अलग बात है कि ये इंसेक्ट भी आपके सिलेबस में, इस सेशन में, इस बार ये इंसेक्ट हटा दिया गया। आपके सिलेबस में इस बार ये इंसेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा। इस बार ना सही, अगली बार जरूर आएगा ये, तो अपने को करना चाहिए। और इसलिए भी करना चाहिए कि प्लस टू के बाद जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज अपने करेंगे पॉमग्रेनेट बटरफ्लाई या अनार की तितली। सबसे पहले अपने करेंगे क्लासिफिकेशन। क्या करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में अपने तीन बातें पढ़ते हैं, एक साइंटिफिक नेम, दूसरा आपने ऑर्डर, और तीसरा फैमिली जिसके अंदर इनको रखा गया। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे साइंटिफिक नेम की। इसका अगर साइंटिफिक नेम देखें तो वो होगा डियोडोरेक्स आइसोबेरिक्स। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? डियोडोरेक्स आइसोबेरिक्स, या दूसरा नाम भी है, वो कौन सा है वो भी लिखा जा सकता है। इसमें कंट्रोवर्सी है, इसमें विवाद है, कंट्रोवर्सी है, तो अपने दोनों नाम याद रखेंगे। तो डियोडोरेक्स आइसोबेरिक्स और दूसरा ग्रेकोला आइसोबेरिक्स। दूसरा नाम कौन सा है? विरेकोला आइसोबेरिक्स। तो दो ये साइंटिफिक नेम है, दोनों में से कोई भी आप मेमोराइज कर सकते हैं, दोनों रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अपने ऑर्डर करेंगे, कौन से ऑर्डर में इसको रखा गया है, क्योंकि ये बटरफ्लाई है, या बटरफ्लाई की तरह दिखने वाले जितने भी इंसेक्ट है उनको मोस्टली अपनों ने किस में रखा है? लेपिडोप्टेरा में। किस में रखा है? गण है लेपिडोप्टेरा। इस ऑर्डर में जगह भी ली है लेपिडोप्टेरा। और तीसरा क्या है? फैमिली। कुल कौन सा होगा? कुल कौन सा होगा? लाइक ए नीडी। कुल कौन सा है? लाइक ए नीडी। तो ये आपको याद रखना है। साइंटिफिक नेम दो है, डियोडोरेक्स आइसोक्रेट्स और गिरेकोला आइसोक्रेट्स। दूसरा ऑर्डर है, ऑर्डर कौन सा है? लेपिडोप्टेरा। और फैमिली या कुल हो जाएगा लाइक ए नीडी। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। क्या काम करता है ये? अनार की तितली है, नाम से पता लग रहा है अनार की फसल को चौपट करेगा। उसके अंदर अंडे दिए जाते हैं, उसी फल के अंदर उसको खाया जाता है, पहले फल को, उसके बाद वही अंडे दिए जाते हैं। और प्यूपा अवस्था भी, प्यूपा स्टेज भी, जो कोष अवस्था है वो भी मोस्टली कहाँ बनती है? अपने फ्रूट के अंदर, क्योंकि अंडे वहीं दिए जाते हैं। तो प्यूपा स्टेज के जो चांसेस हैं वो फ्रूट में ही होने के बढ़ जाते हैं। या फिर कई बार इसको जो फ्रूट का स्टोक होता है, फल व्रंथ, फल की जो डंडी होती है जिससे वो स्टेम से अटैच होता है, वहां पर भी प्यूपा स्टेज देखी जाती है। बात करेंगे कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। नाम से पता लग रहा है अनार की तितली है, इसलिए ये पॉमग्रेनेट या अनार को तो जाहिर सी बात है नुकसान पहुंचाएगा। तो किसको डैमेज कॉज करता है? डैमेज टू कौन कौन सी क्रॉप्स है? तो पहले आपने नाम लिख दें किसका? पॉम ग्रेनेट तो है ही, उसके अलावा एप्पल, सेब को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और बेर। लास्ट इंसेक्ट अपने इससे जो पहले वाला इंसेक्ट किया था वो क्या था? बेर की फ्रूट फ्लाई किया था उन्होंने, बेर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और एक और कौन हो सकता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट है, कौन से फ्रूट? सिट्रस फ्रूट्स हैं,
जो खट्टे फल है, नींबू है, मौसम्मी है, संतरा है, किन्नू है, ये सबको नुकसान पहुंचाता है। तो सिट्रस फ्रूट को भी नुकसान पहुंचाता है, नींबू वर्गीय पादपों को भी, खट्टे फलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो मोस्टली ये वो फसल है जिनको ये नुकसान पहुंचाता है। इतनी फसल को नुकसान पहुंचा, नाम से तो पता लग रहा है सिर्फ और सिर्फ किसको नुकसान पहुंचाएगा, अनार को। लेकिन अनार के साथ साथ ये एप्पल, बेर और सिट्रस फ्रूट पर भी जा सकता है। तो कह सकते हैं कैसा इंसेक्ट है ये, इंसेक्ट है पॉलीफेगस, पॉली फैगस यानी सर्वभक्षी कीट है, कुछ भी खा सकता है इनमें से। तो ये अपने क्लासिफिकेशन कर लिया और कौन कौन सी क्रॉप्स को डैमेज कोज करता है वो पढ़ लिया। अब अपने पढ़ेंगे सिग्निफिकेशन के बारे में, कौन सी बात चलेगी अब, सिग्निफिकेशन या फिर पहचान योग्य लक्षण। कौन कौन से वो लक्षण है कि बाहर से मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर कौन कौन से, जिनको देखने के बाद अपने बता सकते हैं कि ये अनार की तितली है या पोमग्रेनेट बटरफ्लाई है, वो देखेंगे। अगर अपने मेल की बात करते हैं, जो मेल बटरफ्लाई है, अडल्ट की बात कर रहा हूं, व्यस्क जो तितली है मेल नर, उसका कलर कैसा होता दिखने में, है तो ये तितली, लेकिन किस कलर की दिखाई देगी, ये होता है ब्राइट या शाइनी ब्लू कलर, शाइनी ब्लू कलर का होता है ये, काफी चटक या चमकदार नीले रंग का होता है। जबकि जो फीमेल होती है, फीमेल बटरफ्लाई है, वो होती है ब्राउन कलर की, या कह सकते हैं डस्टी कलर की, भूरे रंग की होती है। तो ये अपने कुछ आइडेंटिफिकेशन है कि किस तरह से पहचान सकते हैं कि पॉम ग्रेनेट बटरफ्लाई है। तो पहला, अगर मेल की बात करें तो वो शाइनी ब्लू कलर का होता है, और अगर हम अपने फीमेल की बात करें तो वो ब्राउन कलर का होता है। आर्मा की बात करें तो ये तो किसकी बात की उन्होंने, या उन्होंने बात कर ली अडल्ट की, व्यस्क की, कि जो पूरी तरह से मेच्योर तितली होती है वो कैसे दिखाई देती है, मेल कैसा दिखाई देता है, फीमेल कैसे दिखाई देती है। अब अपने बात करेंगे लार्वा की। देखिए लार्वा जो है वो भी डार्क ब्राउन कलर का होता है, किस कलर का होगा, डार्क ब्राउन कलर का होगा, गहरे भूरे रंग का होगा। और इसकी लंबाई की बात करें अपने, कि 17 से 20, कितनी हो सकती है, 17 से 20 मिलीमीटर तक लंबा हो सकता है, 17 to 20 मिलीमीटर लंबा हो सकता है। और ये जो मेल और फीमेल की बात की थी, अडल्ट जो तितली है उसमें अगर अपने पंखों का प्रसार भी नाप ले, साथ में पंखों को फैलाकर उसका साइज नापते हैं, तो उसका आकार कितना बड़ा हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 से 50 मिलीमीटर, कितना हो जाता है, 40 to 50 मिलीमीटर। किसके साथ, पंखों के प्रसार के साथ, विंग स्प्रेड के आधार पर बता रहा हूं मैं, अगर पंखों को फैला लिया जाए तो पूरा आकार उसका कितना बनेगा, 40 से 50 मिलीमीटर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो ये 40 50 दोनों में आ जाता है, तो दोनों मेल और फीमेल का जो साइज है वो 40 से 50 के बीच में आपको देखने को मिलता है। और इसमें इंक्लूड किया गया है विंग स्प्रेड को, पंखों के प्रसार को भी साथ में नोट किया गया है। और जो लार्वा होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, 17 से 20 मिलीमीटर लंबा हो सकता है। अब पढ़ेंगे लाइफ साइकिल के बारे में, जीवन चक्र कैसा होता है। एक चीज और रहेगी लाइफ साइकिल से पहले, अभी अपनों ने बात की सिग्निफिकेशन की, पहचान योग्य लक्षणों की, तो उसमें लार्वा जो होता है वो किस कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, और उसकी लंबाई हो सकती है कितनी, 17 से 20 मिलीमीटर तक लंबा हो सकता है। ऊपर छोटे छोटे बाल भी पाए जाते हैं, हल्के रोए से पाए जाते हैं बाल, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, और साथ में पूरे शरीर के ऊपर सफेद धब्बे, व्हाइट स्पॉट्स भी बने होते हैं। तो ये उसके सिग्निफिकेशन हो। अब अपने बात करेंगे लाइफ साइकिल की। तो सबसे पहले अडल्ट बनाना है, तितली बनाएंगे अपने बटरफ्लाई, सबसे पहले अपने बटरफ्लाई बनाएंगे, किस कलर की तितली है, अगर वो मेल है तो शाइनी या ब्राइट ब्लू कलर की होती है, अगर वो फीमेल है तो डस्टी कलर की या ब्राउन कलर की हो सकती है, डस्टी या ब्राउन कलर की फीमेल हो सकती है।
रिजल्ट तैयार हो गया क्या? ये अडल्ट व्यस्त। अब क्या है, ये अंडे देंगे। अंडे कहां दिए जाते हैं? मैंने कहा फलों के अंदर ही दिए जाते हैं, क्योंकि ये फलों को नुकसान पहुंचा रही है। जब ये फलों पे बैठेगी तो फलों को चौपट करेगी, उनको नुकसान पहुंचाएगी, डैमेज कोज करेगी, उसके अंदर ही अंडे दे दिए जाते हैं। तो अब अपने अंडे बनाएंगे। अंडे किसके अंदर बनाने हैं अपने को? फ्रूट के अंदर, अनार के अंदर। तो ये अपने अनार बनाएंगे, और अनार के अंदर क्या दिए जाते हैं? अंडे हैं वो दे दिए जाते हैं। अंडे किस कलर के होंगे? बिल्कुल ब्राइट व्हाइट कलर के और ओवल शेप। तो ये कौन सी स्टेज आ गई? ये फ्रूट है। फ्रूट के अंदर उन्होंने क्या दे दिया? अंडे। ये एग है, तो कौन सी स्टेज आ गई? ये आ गई एग स्टेज। कहां दिए जाते हैं? फ्रूट के अंदर ही। अंडों का कलर है वो होता है ब्राइट व्हाइट कलर का, चमकदार सफेद रंग, ओवल शेप्ड दिए जाते हैं। किसके अंदर दिए जाएंगे? फ्रूट के अंदर दिए जाते हैं। तो ये एग स्टेज आ गई। अब एग में से क्या निकलेंगे? लार्वा। कितने दिनों बाद लार्वा बाहर निकलेंगे? तो वो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 7 से 10 दिनों का। तो क्या लिखेंगे? 7 से 10 दिनों का क्या चलेगा? इंक्यूबेशन पीरियड, उष्मायन काल चलेगा। यानी अंडे हैं वो 7 से 10 दिनों बाद में क्या हो जाएंगे? उनमें से लार्वा निकलेंगे। अंडों में से क्या निकलेंगे? लार्वा है वो बाहर निकलेगा। कितने दिनों बाद बाहर निकलेगा लार्वा? 7 से 10 दिनों बाद। और शरीर के ऊपर थोड़े क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं, और साथ में व्हाइट स्पॉट भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये लार्वा स्टेज आ गई। क्या स्टेज आ गई? ये है लार्वा। तो लार्वा स्टेज है वो 7 से 10 दिनों बाद तैयार हो जाती है। उष्मायन काल मैंने बताया 7 से 10 दिनों का होता है। लार्वा है वो कितना लंबा हो सकता है? ये हो सकता है 17 से 20 मिलीमीटर लंबा हो सकता है। इसका जो रंग होता है वो किस कलर का? डार्क ब्राउन कलर का होता है। उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? कुछ हल्के हल्के रोए या बाल पाए जाते हैं। लार्वा स्टेज है वो किसमें जाएगा? लार्वा ने जितना नुकसान पहुंचाना था फ्रूट के अंदर वो पहुंचा दिया, उनको खोखला कर दिया, फसल चौपट हो गई। उसके बाद जितना वो खाना पानी उसको खाना था लेना था उसने लिया, उसके बाद वो चला गया किसमें? प्यूपा स्टेज में। अब कौन सी स्टेज बनेगी? प्यूपा स्टेज। और प्यूपा स्टेज है वो कहां बनेगी? देखिए अंडे कहां दिए गए? फ्रूट के अंदर। लार्वा स्टेज भी कहां बन रही है? फ्रूट के अंदर। तो इसका मतलब प्यूपा स्टेज के मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी कहां बनने की? फ्रूट के अंदर ही। और कई बार वो जो फ्रूट का स्टॉक होता है उसके ऊपर भी बन सकता है। तो आप बनेगी लार्वा के बाद में प्यूपा स्टेज। देखिए मैंने बताया दो चांस हो सकते हैं, तो फ्रूट के अंदर बनेगा प्यूपा स्टेज या फिर कहां बनेगा? फ्रूट के स्टॉक के ऊपर, जो फ्रूट की डंडी होती है वह डंठल होता है उसके ऊपर बनी मिल सकती है। तो ये इसका स्टेज हो गया कौन सा? ये है प्यूपा स्टेज। कहां बनेगी? फ्रूट के अंदर या फ्रूट स्टॉक पर, फल के व्रंथ पर। और ये प्यूपा स्टेज है वो चल सकती है हफ्ते से लेकर कितने दिन तक? 34 दिनों तक चल सकती है, या कह सकते हैं अपने 1 महीने से अधिक समय के लिए चल सकती है। कितने दिन चलेगी? 7 से लेकर 34 दिनों तक इसकी प्यूपा स्टेज देखी गई। और उसके बाद इस प्यूपा में से कौन बाहर आएगा? मैच्योर जो बटरफ्लाई है, अडल्ट बटरफ्लाई, वो बाहर निकलेगी 7 से 34 दिनों के बाद में। तो ये इसका लाइफ साइकिल अपने कंप्लीट कर लिया। किसका? पॉमग्रेनेट बटरफ्लाई का। चलिए अब बात कर लेते हैं कंट्रोल की।
लास्ट में पहुंच चुके अपने वीडियो के लास्ट में, अपने क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, वरना वरना क्या हुआ, भारी नुकसान होगा। कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल के लिए पहले अपने क्या काम कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड क्या काम में लेंगे, अपने क्या काम में ले सकते हैं कि जो फल है उनको पकने से पहले ही अपने उनको ढक दें, पॉलिथीन से पॉलीबैग से अपने ढक दें। तो क्या करते हैं, कवरिंग ऑफ फ्रूट बिफोर राइपनिंग, फलों को पकने से पहले ही, कवरिंग ऑफ फ्रूट्स बिफोर राइपनिंग, फलों को पकने से पहले ही अपने क्या कर दें, उनको ढक दें, किससे, कवर कर दें पॉलीबैग से, जिससे क्या हो, बटरफ्लाई उसके ऊपर ना बैठ पाए ना उसके ऊपर अंडे दे पाए। तो पहला ट्रेडिशनल या जो कल्चरल मेथड है वो कौन सा हो गया, कवरिंग ऑफ फ्रूट्स बिफोर राइपनिंग। केमिकल मेथड की बात करें तो यहां एक केमिकल, एक इंसेक्टिसाइड काम में ले सकते हैं, वो है डाइमिथॉइड। कौन सा बता रहा हूं, डाइमिथॉइड 30 cc, ये इसकी कंसंट्रेशन है। डाइमिथॉइड 30 cc अपने क्या, कितना काम में लेंगे, 2 ml काम में लेंगे 1 liter पानी के अंदर। 1 liter पानी के अंदर 2 ml अपने घोल लेंगे, उसके बाद स्प्रे करेंगे किसका, डाइमिथॉइड 30 cc का पेड़ों के ऊपर। अनार है तो अनार के पेड़ों के ऊपर, वरना एप्पल बेर और जो सिट्रस फ्रूट है उनके पेड़ों पर अपने डाइमिथॉइड 30 cc का छिड़काव कर सकते हैं, 2 ml पर लीटर के हिसाब से। तो इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, किसके साथ, पोमग्रेनेट बटरफ्लाई के साथ। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।